सो हमारे पहले व्यूअर से हिनल एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बीसीआई सूरत। हाय अंचल, तो सब कैसे हो? हाय साक्षी, वाटरप्रूफ मेकअप के टिप्स? या डेफिनेटली हम वाटरप्रूफ मेकअप के टिप्स देंगे। हाय सोनू, हेलो उष्णवी, तो मेरा मेकअप ब्लैक क्यों होता है मैम बता दो? क्योंकि आपकी स्किन प्रिपरेशन राइट नहीं होगी, आपका फाउंडेशन जो आपने चूज किया है वो करेक्ट नहीं होगा, या फिर आपके जो कलर करेक्टर आपने किया है, जो प्रॉब्लम्स हाइड करने के लिए कलर करेक्टर किया है वो सही से नहीं किया होगा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स में आपका मेकअप ब्लैक हो सकता है, राइट? तो आज का मेकअप सीखने के लिए सब एक्साइटेड हो कि नहीं? और आप सबको ये लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करना है, आप जितना शेयरिंग करोगे उतने व्यूअर्स ज्यादा आएगी, और व्यूअर्स ज्यादा आते ही हम हमारे मेकअप स्टार्ट करेंगे आज का। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे यहाँ पे व्यूअर्स चाहिए आफ्टर हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। यस, थैंक यू सो मच, वेलकम डियर। अच्छा, नोज एरिया से मेकअप रिमूव होता है लगता है स्वेटिंग से, क्या करना चाहिए? यस, तो आपको आपके जो नोज पार्ट है उस पर बेकिंग अच्छे से करना है। ऑयली स्किन पे सीरम की कोई नीड ही नहीं है डियर, सो यू नेवर यूज ऑयली ऑन ऑयली स्किन सीरम। आपको ऑयली स्किन पे ऑलवेज वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है। मैंने तो कर दिया, ग्रेट सोनू दीदी। तो नाउ हम अभी अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं वेलकम करना चाहूंगी वन एंड ओनली वेरी ब्यूटीफुल नीता, अरे नीता लता पटेल। हेलो एवरीवन, तो मैम आज का आपका मेकअप की मतलब कौन से रिलेटेड है? हल्दी लुक करने वाली हूँ आज मैं। यस, तो आज हम हल्दी लुक करने वाला है क्योंकि अभी हमारी करंट सीजन है शादी की, और ब्राइडल मेकअप तो सब दिखाते हैं। हाँ, तो आज मैम दिखाने वाले हल्दी मेकअप। तो मैम हम स्टार्ट करें? यस। तो ये है आज की हमारी ब्यूटीफुल सी मॉडल खुशहाली। तो यहाँ पे हम पहले फिल्टर रिमूव कर देते हैं, राइट? तो सबसे पहले मुझे हल्दी लुक आई मेकअप के टिप पॉइंट भी देना मैम प्लीज। या डेफिनेटली डियर, यस। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मॉडल की स्किन कैसी लग रही है आपको, उसका स्किन टोन क्या है और उनकी स्किन टाइप्स क्या है। हेलो मैम, हेलो माधुरी, तो मुझे कौन बताएगा कि मॉडल की स्किन देखने में कौन सी लग रही है, उनकी स्किन टाइप्स कौन सी है, उनका स्किन स्ट्रक्चर कौन सा है, उनका स्किन टोन कौन सा है। हेलो डोली, तो मुझे कौन बताएगा, जल्दी से बताइए।
हम सबसे पहले यहाँ पे वेट वाइप से मॉडल का फेस क्लीन कर रहे हैं। तो ऑलवेज आपको आपके क्लाइंट पे भी ऑलवेज आपको पहले वेट वाइप से उनका फेस क्लीन करना है, फिर ही मेकअप स्टार्ट करना है। तो उनके फेस के जो डस्ट है वो बाहर से आए हैं, तो उनके स्किन पे जो धूल मिट्टी लगी होगी, पॉल्यूशन लगा होगा, वो साफ हो जाएगा। तो आपको ऑलवेज सबसे पहले वेट वाइप से मेकअप क्लीन करना, मतलब सॉरी, उनकी स्किन को क्लीन करना है फॉर द हाइजेनिक। तो आपको अच्छे से उनके हर एक फेस के पार्ट्स को क्लीन करना है। फिल्टर हटाओ डियर, हमने फिल्टर हटा दिया है। नॉर्मल स्किन टाइप ड्राई, फेयर टू मीडियम अंडरटोन वार्म, ड्राई टू कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ड्राई, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन, मीडियम टू फेयर नॉर्मल स्किन टाइप, मीडियम टू फेयर कॉम्बिनेशन स्किन टोन वार्म, ड्राई स्किन येलो टोन मीडियम। ओके, तो नाउ वी आर यूजिंग पेट्रा टोनर, जो सिमिलर पिक्सी जैसा, ये सेम टू सेम पिक्सी का प्रोडक्ट है। डार्क सर्कल्स भी है, राइट। ओके, तो मॉडल स्किन है यहाँ पे नॉर्मल, उनके स्किन पे ना ही ऑयल ज्यादा है और ना ही ड्राइनेस ज्यादा है। हाय श्रीनाथ जी कलेक्शन, और उनका जो स्किन टोन है वो मीडियम टू फेयर है, और उनका अंडरटोन वार्म है। ओके, तो मुझे ये कौन बताएगा कि हम अंडरटोन कैसे पहचाने, कि हमारे पास जो भी क्लाइंट आया है, जो भी कस्टमर आया है, तो हम उनका अंडरटोन कैसे पहचानेंगे? कौन मुझे बताएगा कि जो मॉडल है, क्लाइंट है, उनका अंडरटोन कौन सा है? आप ऐसे ही फेस देख के जान लोगे कि उनका अंडरटोन वार्म है या कूल है। तो मुझे कौन बताएगा कि मॉडल का अंडरटोन, मतलब सॉरी, मॉडल का अंडरटोन तो बता दिया मैंने भी, वार्म है, पर हम पहचानेंगे कैसे कि अंडरटोन कौन सा है? तो वो पहचानने की कोई मुझे कोई टिप्स बताएगा कि हम ऐसे अंडरटोन पहचान सकते हैं? एनीथिंग? I don't know. ओके, तो मुझे कोई बता दे वरना फिर मैं आंसर देती हूँ। ओके, तो हम सबसे पहले आई बेस बनाएंगे, और उसके लिए हम नार्स का आई बेस यूज कर रहे हैं, हैंड्स की वेन्स से, राइट। आपने एकदम राइट आंसर दिया है, हम हाथों की वेंस से उनका अंडरटोन पहचानेगी और फेस शेप राउंड, राइट, वेरी इंटेलिजेंट। तो उनका फेस शेप है राउंड, नसें चेक करके, राइट राइट, हाथ की वेन अकॉर्डिंग, या वेन, राइट। तो ऑलवेज आपकी जो क्लाइंट है या मॉडल है, उनका अंडरटोन हम कैसे पहचानेंगे? उनकी हाथों की नसों देख के। तो हमारे अंडरटोन दो ही है सिर्फ, वार्म एंड कूल, या कोई और भी है? कोई मुझे बता सकता है? या सिर्फ हमारे दो ही अंडरटोन है? एनीथिंग? तो मुझे जो बोलेगा वो सही होगा। अगर आप बोल रहे हो दो अंडरटोन है तो राइट, और उसके अलावा भी कोई अंडरटोन आता है तो बताइए। नार्स का शेड कौन सा है? या मैं बता देती हूँ डियर, नार्स का शेड कौन सा है? न्यूट्रल भी है, राइट। तो हमारे अंडरटोन कितने हैं? तीन अंडरटोन है, कूल, वार्म एंड न्यूट्रल। तो हमने यहाँ पे नार्स का मीडियम शेड यूज किया है, नंबर टू,
जिंजर शेड यूज किया है हमने नार्स कंसीलर का, और अभी हम उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे विथ पीएससी स्मॉल ब्लेंडर कॉम्बिनेशन अंडरटोन। नो डियर, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अंडरटोन नहीं होता है, उसे हम कॉम्बिनेशन नहीं न्यूट्रल अंडरटोन बोलते हैं। तो अंडरटोन में तीन अंडरटोन आते हैं, कूल, न्यूट्रल एंड वार्म। तो वार्म अंडरटोन की जो वेन्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है, कूल अंडरटोन की ब्लू कलर की होती है, एंड न्यूट्रल अंडरटोन में जो पर्पल कलर आता है वैसे कलर की भी होती है, मतलब सारी अंडरटोन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारी मॉडल का अंडरटोन है वार्म अंडरटोन, इट्स मीन्स कि वो येलोइश टोन पे जा रहे हैं। मैम फिर से दिखाओ, या मैं डेफिनेटली दिखा देती हूँ फिर से। हमने यहाँ पे आई बेस के लिए नार्स का मीडियम नंबर 2 जिंजर शेड यूज किया है फ्रॉम नार्स, ये लीजिए मैम। ऑल राइट, यस। तो अभी हमने आई बेस कंप्लीट किया, अब हम आई शेडो स्टार्ट करेंगे। अंडरटोन, अभी मुझे कोई ये बता सकता है कि वार्म अंडरटोन पे कौन से कलर अच्छे लगेंगे? ओके, तो हम आई मेकअप के लिए कार्निवल एक्सेल प्रो से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे आई शेडो पैलेट कार्निवल एक्सेल प्रो यूज कर रहे हैं, और उसमें से पहले सबसे पहले तो हम सबसे पहले लाइट पीच कलर लेंगे। थैंक्स टू डियर। अंडर किस के आई, अंडर आईज किसके आई, अंडरटोन, राइट। अंडरटोन आप दिए हाथों की वेंस देख के पहचान सकते हो कि अगर उनके हाथों की नसें ग्रीन कलर की है तो उनका अंडरटोन वार्म है, अगर ब्लू कलर की है तो अंडरटोन कूल है, एंड पर्पल कलर की है तो उनका अंडरटोन, अगर पर्पल कलर की नसें है तो उनका अंडरटोन न्यूट्रल है। तो मैंने क्या क्वेश्चन किया था, आई शेडो के कलर भी दिखाइए, या डेफिनेटली मैं दिखा देती हूँ। तो हम आई शेडो में अभी ये पीच कलर यूज कर रहे हैं सबसे पहले, और इसे हम अच्छे से क्रीज लाइन पे ब्लेंड करेंगे। मेकअप आर्टिस्ट कौन है? आज के हमारे मेकअप आर्टिस्ट है वन एंड ओनली लता पटेल। अंडर आईज पे कोई पाउडर नहीं लगाते, या अगर आपका जो आई बेस है वो बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको डेफिनेटली उस पर पाउडर लगाना है, अदरवाइज नो नीड। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर किसी ने अभी तक नहीं दिया है कि हम वार्म अंडरटोन पे कौन से कलर पर जाएंगे, कौन से कलर उन पे अच्छे लगेंगे। नार्स कंसीलर के 3 शेड बता दीजिए तो वैनिटी में रख सकते हैं, कि अगर नार्स के 3 शेड की जरूरत नहीं है, हम ऑलवेज आई बेस के लिए थोड़ा लाइटर शेड यूज करते हैं, तो आप जिंजर शेड यूज कीजिए नार्स का, जो बहुत ही अच्छा है ऑल वार्म कलर, या आई नो ऑल वार्म कलर, बट विच कौन सा कलर ऑल वार्म कलर, इस मीन कौन से। हेलो समीक्षा दी, हेलो श्रेया पटेल, हाउ आर यू। अब मैं डार्क ब्राउन कलर का शेड लेने वाली हूँ। यस, तो अभी हम डार्क ब्राउन थोड़ा ले रहे हैं, ये वाला डार्क ब्राउन, और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आई मेकअप में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? यस, आई मेकअप में येलो या वार्म कलर, येलो ऑरेंज और ऑरेंज, या येलो डियर हम वार्म कलर बोलेंगे, येलो ऑरेंज एंड रेड, रेड येलो ऑरेंज, राइट। तो हमारे जो वार्म कलर है वो है रेड येलो एंड ऑरेंज। ये डियर आप वार्म टोन में येलो ऑरेंज एंड रेड कलर यूज कर सकते हो। ओके, तो आई शेडो में भी ध्यान रखना है सबसे पहले कि हमने जो आई बेस लिया हो एकदम, क्योंकि आपका जब बेस क्लियर नहीं होगा तो आपका मेकअप अच्छे से नहीं होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके बेस है
आपको राइट चूज करना है, आपका बेस ज्यादा ऑयली ना हो और थोड़ा ड्राई, जल्दी ड्राई हो, आई मीन टाटे शेप डिप कैसे ड्राई हो जाती है जल्दी, वैसे ही आई कंसीलर यूज कीजिए। और जब आप जो कलर पॉप आउट कर रहे हो ना उसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए राइट। और क्रीज लाइन में भी आपको सिमर्श कलर जब आप अप्लाई करते हो तो उसपे थोड़ा वेट करके लगाए तो वो ज्यादा अच्छे अप्लाई होंगे। हेलो दी, मेरे पास सगाई मेकअप है बट उसकी आई बहुत छोटी है तो आई मेकअप कौन सा दू? दी आप उनके लिए ना और एकदम लाइट ब्लेंडिंग कीजिए उनपे, आई उनपे ज्यादा हैवी आई मेकअप ना कीजिए। उनके ऊपर क्या करें आप एकदम कोई भी लाइट, आई मीन पीच कलर है, पिंक कलर है, लाइट ब्राउन है, ऐसा ब्लेंडिंग करके दो शेड दे दीजिए, 1 और 2 डार्क कलर लेके ब्लेंड कर दीजिए। और वहां पे आप क्रीज लाइन, कट क्रीज ऐसा कुछ ना क्रिएट करते हुए सिर्फ आई बॉल पे अपने फिंगर से शिमर्स कलर अप्लाई कर दीजिए डेप 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 करके, और फिर एकदम क्लासिक बेसिक लाइनर लगा दीजिए बस। और लैशेस भी आप बहुत लाइट वेटेड लगाइए, एकदम नेचुरल लैशेस। कलर चूज करने में प्रॉब्लम आती है, कौन से कलर पे आई मेकअप करें? डियर एक सिंपल सा थॉट बता दूं, अगर आपके पास फेयर लोग मतलब फेयर है ना तो आप उसपे पिंकिश मतलब कोई भी कलर पे जा सकते हो, पर अगर ब्राउन है, डस की स्किन है तो आप ज्यादातर ब्राउन कलर पे जाइए तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत जो एकदम फ्लैशेड कलर आता है ऐसे कलर नहीं यूज कीजिए। थैंक यू डियर, थैंक यू टू टाटे के कंसीलर शेड बताइए। टाटे में आप लाइट न्यूट्रल ले लीजिए, वो एक शेड ही अच्छा है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा एक और डार्क शेड ब्राउन कलर लिया है, ब्लैक कलर लिया है सॉरी। हुडेड आई पे कौन सा आई शेडो करे? हुडेड आई पे आप बने तब तक कट क्रीज ऐसा ना करें और ब्लेंडिंग करके लाइट ब्लेंडिंग कीजिए, बहुत हैवी ब्लेंडिंग में नहीं कीजिए। और आपने जो इनर कॉर्नर है वहां पे सिर्फ शिमर्स अपने फिंगर से विदाउट एनी कंसीलर कट क्रीज अप्लाई कर लीजिए। वार्म अंडरटोन के लिए कौन से कलर का बेस यूज करें? और ये वार्म अंडरटोन के लिए इसमें देखो वार्म में भी ना एकदम फेयर भी आता है, एकदम कूल भी आते हैं, तो आपको ऐसा वार्म एंड कूल देख के आपको मतलब कंसीलर सिलेक्ट नहीं करना है, आपको उनके आई मतलब बेस है ना वो उनकी स्किन अकॉर्डिंग चूज करना है। ओके, तो स्काई ब्लू कलर के ड्रेस पे कौन सा मेकअप करें? सावला कलर है गर्ल का एंड ज्वेलरी सिल्वर है, तो डियर आप उनपे ना और एकदम ब्लू आई मत कीजिए, जरा भी नहीं ब्लू आई कीजिए। आप उनपे या तो ब्राउन ब्लेंड करके आई कट को ब्लेंड करके या फिर पीचिस कलर पे ब्लेंडिंग करके उनपे ना सिल्वर कलर का शिमर्स अप्लाई कीजिए, नॉट अ ग्लिटर, आई मीन आई से शिमर्स, जो हमारे पैलेट में शिमर कलर आता है वो एकदम गोल्डन भी नहीं एकदम सिल्वर भी नहीं, उसके बीच का जो शेड आता है वो अप्लाई कर दीजिए तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और पूरी आईज पे अप्लाई ना करते हुए आप सिर्फ आई बोल पे अप्लाई करके पॉइंट वाली लाइनर कर दीजिए, बहुत स्मूथ पॉइंट वाली, हैवी पॉइंट वाली नहीं, स्मूथ विंग्स वाली लाइनर कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैम आंसर नहीं यार, डियर बोले ना आपका क्या क्वेश्चन है? फॉरएवर 50 के दो ब्राइडल के लिए दो शेड, यू कैन गो विथ 4 और 7 नंबर, आपको इतना सब कैसे पता होता है? क्या पता? शॉपरेल का कंसीलर कैसा है? बहुत ही अच्छा है। हेलो मैम, हेलो, आप स्मोकी किधर है? मैम आप स्मोकी आइज बना रहे हो? नो डियर। हेलो मैम, हेलो कुमारी, हेलो मैम, क्या ये सेशन सेव रहेगा? यस डेफिनेटली सेव रहेगा। फॉर एवर 52 फाउंडेशन नंबर 4 के साथ कौन सा शेड चलेगा?
यू हैव फोन नंबर, यू कैन बाय 7 नंबर आफ्टर. आपको कोई शेड लेने की जरूरत नहीं है. फॉरएवर के दो शेड, यू कैन गो विद 4 एंड 7 नंबर. तो हमें यहाँ पे आई पे एकदम अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है. हमारी ब्लेंडिंग में कलर्स दिखने चाहिए, शेडिंग्स दिखने चाहिए, राइट. तो हमें बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है. हेलो, हाउ आर यू? आई एम सो टू गुड, हाउ आर यू? सो नाउ वी आर यूजिंग इंग्लॉट आई बेस. तो हम यहाँ पे अभी इंग्लॉट का आई बेस यूज कर अलग अलग के फाउंडेशन के शेड. अलग अलग में आपको दो शेड लेने हैं, फेयर एंड नेचुरल. मैं कोई कलर नहीं बोल रही, डियर फाउंडेशन के नेम ही ये है, फेयर एंड नेचुरल. यू कैन गो विथ एलेगल. मैम प्लीज मुझे CTMP बताइए फॉर ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए. या डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी CTMP, दी आई शेडो पैलेट का नाम. प्लीज हम यहाँ पे कार्निवल एक्सेल प्रो यूज कर रहे हैं. सॉरी नेटवर्क इशू, डोंट वरी डियर, कोई बात नहीं. यस, तो CTMP ऑयली स्किन के लिए आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको कोई भी अच्छा सा टोनर यूज करना है, क्योंकि ऑयली स्किन पे टोनर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैम ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन, डियर आपको स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं लेना है, स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेना है. ट्रांसल्यूशन पाउडर कौन सा अच्छा है? ट्रांसल्यूशन पाउडर यू कैन गो विथ शॉप रेल, लोरा मर्सियर, मैक बनाना ब्रेड, हुडा ब्यूटी बनाना ब्रेड, राइट. तो आपको ऑयली स्किन पे ना सबसे पहले अच्छा सा टोनर यूज करना है. एनी गुड टोनर, लव आर्थ यूज कर सकते हो, पिक्सी यूज कर सकते हो, या फिर आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो. फोर एवर प्रो में थी करने के लिए मिक्स करते हैं क्या? क्या डियर कट क्रीज के लिए क्या यूज करें? कट क्रीज के लिए हम यहाँ पे व्हाइट आई बेस यूज कर रहे हैं. क्या क्रीज लाइन हम व्हाइट जेल लाइनर से कर रहे हैं इंग्लॉट की? हेलो मैम, आपने आई शेडो कौन से यूज किए हैं? हमने सबसे पहले लाइट पीच कलर, देन लाइट ब्राउन कलर, एंड देन डार्क ब्राउन कलर. मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन यू कैन गो विथ एम्ब्रोइलिस एंड इमोलिन. मैम प्लीज आंसर दे, आई लीड के कलर करेक्टर करते हैं, कर सकते हैं क्या? लाइक ऑरेंज एंड रेड कलर करेक्टर, बिकॉज समटाइम आई लीड भी बहुत डस्की एंड ब्लैक होती है. या आंसर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन अच्छा किया है. या आपको डेफिनेटली आई लिड पे करेक्टर करना है. आप जब अपना फेस करेक्ट करते हो तब आई लिड पे आपको करेक्टर अप्लाई करना है. उससे क्या होगा बताए? आपकी आई थोड़ी उम्र के ज्यादा उठ के आएगी. इंग्लॉट की व्हाइट बेस का प्राइस क्या है? उसका प्राइस 1500 रूपए है. दिस लिपस्टिक शेड सूट फॉर डार्क स्किन, यू कैन गो विथ न्यूड कलर. आपको रेड एंड ऐसे एकदम चेरी रेड ऐसे कलर यूज नहीं करना. यू कैन गो विथ न्यूड कलर, एनी न्यूड कलर, डार्क कलर, लाइटेड, विच इज यू वुड लाइक इट, राइट. ओके, ब्रश कौन सा है? मैम ब्रश कौन सा है? PAC का 315 नंबर का. ओके, हम यहाँ पे PAC का 315 नंबर यूज करें. कट क्रीज के लिए कौन सा कंसीलर यूज किया है? हमने यहाँ पे इंग्लॉट का व्हाइट बेस यूज किया है. कट क्रीज पे कोई पाउडर लगाते हैं? नो डियर, नो नीड, क्योंकि हम वहाँ पे शिमर्स या फिर कलर डायरेक्ट पेनिट्रेट करते हैं, तो हमें वहाँ पे ब्लाइंड नहीं करना है. इसलिए पाउडर की कोई नीड नहीं, हमारे कलर हमें उठ के दिखने चाहिए. ग्रीन हो सकता है करेक्टर या डियर, पर आपको वो यूज नहीं करना है ज्यादातर ग्रीन करेक्टर, क्योंकि उससे कहीं बारी मेकअप आपका ग्रे हो जाता है. मैम आई बेस आता है उससे क्या है अपना? हमने यहाँ पे इंग्लॉट का व्हाइट बेस यूज किया है. इंग्लॉट का व्हाइट जेल लाइनर है क्या मैम? या इंग्लॉट का व्हाइट जेल लाइनर है. ऑडियर हमने व्हाइट बेस बोले या व्हाइट जेल लाइनर एक ही है. हमने यहाँ पे इंग्लॉट का व्हाइट जेल लाइनर यूज किया. उसके अलावा आप कोई भी पैलेट में व्हाइट बेस आता है वो यूज कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है.
मैम फिट मी लूज पाउडर कैसा है? डियर वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकती हो, आप क्लाइंट पे यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रोफेशनल प्रोडक्ट नहीं है। कौन सा लुक है आज का? हमारा लुक ऑल अबाउट हेल्दी लुक है। ओके सो हमें अच्छी से हमारी कट क्रीज बनानी है और कट क्रीज के लिए हम व्हाइट जेल लाइनर यूज कर रहे हैं फ्रॉम इंगलॉट। या तो किसी ने मुझे पूछा था कि ऑयली स्किन के लिए CPMP, मैं भी बता देती हूँ कि ऑयली स्किन के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा सा टोनर यूज करना है। आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो और आप ग्रीन टी जो आती है ना वो भी यूज कर सकते हो। ग्रीन टी की आइस क्यूब बना के आप यूज कर सकते हो हल्दी लुक आज का, तो आप ग्रीन टी की आइस क्यूब बना के भी लगा सकते हो। फिर आपको एक अच्छा सा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर एनीवन, क्यूटी ब्यूटी है, न्यूट्रीजिना है, ग्लैमसा है, फिर पॉन्स का है, कोई भी वाटर बेस्ड जो हो वो आपको यूज करना है। तो सब PAC का है मैम, आप बहुत अच्छा सिखाते हो। हाय मैम, हाय। तो आपको ऐसे कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करना है वाटर बेस्ड, ग्लैम एंड ग्लो का भी आप यूज कर सकते हो। और फिर आपको प्राइमर, मेटिफेन प्राइमर यूज करना है। हाय मैम, हेलो। आपने व्हाइट जेल लाइनर यूज किया? हमने व्हाइट जेल लाइनर यूज किया है कंसीलर के लिए। आर्टिस्ट स्टैम्प, या हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट है लता पटेल। फॉरएवर 52 के प्रो फाउंडेशन थीम करने के लिए कुछ मिक्स भी करते हैं कि डायरेक्ट यूज करते हैं? नो डियर, उनके फाउंडेशन में नीड नहीं है कुछ मिक्स करने की। मैम फिक्सर्स पे कौन सा बेस्ट है? यू कैन गो विद अर्बन डिके एंड, और अगर आपको बकेट फ्रेंडली प्राइस में चाहिए तो यू कैन गो विद जस्ट गुल, विच इज द बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर। यू कैन गो विद एलेगल, शॉपरेल, मैक। यू आर ऑसम मैम, थैंक यू सो मच आंसर देने के लिए। थैंक यू टू डियर। हाय मैम, जिनकी आई लीड में रिंकल होते हैं तो कैसे आई मेकअप करें? आपको उनमें ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं करने, आपको सिर्फ कोई भी लाइट दो कलर से ब्लेंड करके उनके जो अपने फिंगर्स से सिर्फ कलर को पॉप आउट कर देना है, शिमर्स कलर को, और एकदम पतली वाली लाइनर लगा देनी है। और आई लेशेज भी आपको बहुत ही जो थीन हो वही लगानी है। तो आपको यहाँ पे एक नई ट्रिक देखने को मिल रही है कि मैम अपनी फिंगर्स से जो कलर एंड जेल लाइनर है उसको मिक्स कर रहे हैं। तो इट्स रियली ग्रेट आइडिया फॉर एवरीवन कि आपको जो आपकी जो कट क्रीज के कलर है एंड जो हमारे ब्लेंड के कलर है वो दोनों मिक्स होने चाहिए। ब्राउन एंड ब्लैक यूज किया है ट्रांसलेशन किस चीज के लिए? क्या मीन्स डीएम में समझे नहीं आप क्या बोल रहे हो? मैम भारत एंड डोर्स प्रोडक्ट कैसे है? ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने वो कभी यूज नहीं किए, पर यू कैन यूज, आप ट्राई कीजिए, आप चेक कीजिए कैसे है, और अगर अच्छे आते हैं तो मुझे भी बताइए कि अच्छे हैं ये प्रोडक्ट। और मैम हम क्या कौन सा एंशन कर रहे थे? ओके मैम, ऑयली एंड ड्राई स्किन के लिए कौन कौन से फाउंडेशन मिक्स करते हैं? डियर मैं अगेन बोलूंगी कि आपको, आप एक बात नोट कीजिए कि आपको कभी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं लेना है, आपको ऑलवेज स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेना है। आपकी प्रिपरेशन स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होती है, फाउंडेशन नहीं। मैम वीडियो सेव रहेगा? या वीडियो डेफिनेटली सेव रहेगा। आई शेडो, यस आई शेडो, क्या डियर आई शेडो, आप क्या बोल रहे हो आई शेडो? ब्राउन एंड ब्लैक यूज किया है ट्रांसलेशन शेड के लिए? या मैम ने ब्राउन एंड ग्रे, ब्राउन एंड ब्लैक यूज किया है ब्लेंडिंग के लिए। आपने एनी वाइट कंसीलर किया है उसे क्या
हमने यहाँ पे व्हाइट इंग्लॉट की व्हाइट जेनर यूज किए फॉर द कंसीलर। मैम वाइट शेड पॉकेट बजट में कौन सा है? और ये देखो इंग्लॉट की जेल लाइनर भी आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप उसके अच्छा एक अगर ऑप्शन है तो आप शॉपरेल की कंसीलर पैलेट परचेज कर लीजिए। उसमें करेक्टर कॉन्टोरिंग शेड कलेक्टर शेड फाउंडेशन शेड एंड इवन व्हाइट जेल लाइनर व्हाइट बेस भी आ जाता है। पॉकेट फ्रेंडली बजट में यू कैन गो विथ फॉर एवर फिफ्टी टू में भी आपको व्हाइट जेल लाइनर देखने को मिलती है। बट अगर इंडिविजुअली आप बोल रहे हो ना कि शेड कोई मतलब ऐसे व्हाइट बेस आता है तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आपको कोई भी जेल लाइनर या फिर करेक्टर पैलेट ही परचेज करनी होगी। व्हाइट जेल लाइनर क्यों यूज किए आपने? राइट, क्योंकि हमारे कलर है वो पॉप आउट होके ज्यादा अच्छी से दिखाई। लव योर वॉइस स्टाइल मैम, थैंक यू। तो व्हाइट जेल लाइनर हमने इसलिए यूज किया कि जो भी हम कलर अप्लाई करें वो ज्यादा पॉप आउट तो हो गए पर ज्यादा पॉप आउट होके आए, ज्यादा एनहांस होके आए। कौन सा आई शेडो पैलेट हम यहाँ पे कार्निवल एक्सेल प्रो यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने व्हाइट बेस यूज किया है कि हमारे जो भी कलर है वो ज्यादा एनहांस होके आए, ज्यादा उठ के दिखे, ज्यादा पॉप आउट हो। राइट, विच पैलेट यू आर यूजिंग? आई एम यूजिंग हियर शॉप कार्निवल एक्सेल प्रो शॉपरेल कंसीलर पैलेट। राइट, आपको शॉपरेल की कंसीलर पैलेट ले लेने वो बहुत ही अच्छे इन वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और अगर उसका कोई कलर खत्म भी हो जाता है तो आप उसका जो इंजेक्शन आता है ना वो परचेज कर सकते हो, तो आपको न्यू पैलेट पूरी परचेज नहीं करनी पड़ेगी। आप एक ही जो रिफिल होती है वो परचेज कर सकते हो। येल्लो आई शेडो कौन सी पैलेट में से है? येल्लो आई शेडो कार्निवल एक्सेल प्रो में से है। दिखाओ ना, या दिखा देते। हमने ये वाली पैलेट यूज की है कार्निवल एक्सेल प्रो, उसमें से ये येल्लो शेड हम यूज कर रहे हैं। तो हमें अच्छे से हमारे कट क्रीज पे येल्लो शेड अप्लाई करना है बहुत ही ज्यादा अच्छे से। और आप देख सकते हो कि व्हाइट बेस की वजह से हमारा जो येल्लो कलर है वो कितना उठ के आ रहा है। येल्लो के कितने शेडिंग लिए हैं? डियर हमने एक वन सिंगल येल्लो कलर में ही लिया है, उसमें से हम वही एक कलर ही अप्लाई किया, हमने कोई शेडिंग नहीं की है। कितने की आती है मैम? डियर उसके लिए आप tbs.india पे मैसेज कर सकते हो। मैम व्हाइट जनरल बहुत ठीक होता है, ब्लाइंड नहीं होता, तो कैसे करे उसे प्लीज बताइए तरीका। या अगर आपके व्हाइट जेल लाइनर बहुत ठीक है ब्लेंड नहीं होता है तो आपको उसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल मिक्स कर देना है तो आपको कोई नींद नहीं रहेगी। और आप कट क्रीज में यूज करते हो तो वैसे भी आपको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं, पर आप एसेंशियल ऑयल यूज कीजिए थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप और फिर अच्छे से एकदम ब्लेंड होगा और आपको एकदम सॉफ्ट अपने हाथों से उसको ब्लेंड करना है। आई शेडो 1 एंड 2 शेड पैलेट में बताओ प्लीज। या डियर मैं आपको लास्ट में सारे शेड बता दूंगी कि आप मैम ने अभी कौन कौन सी शेड यूज किए हैं। येलो कलर पर कौन सा दिया है मैम? ऑरेंज दिया, अभी हमने ऑरेंज कलर यूज किया है। या जो भी हमने यूज किया है, जो भी कलर यूज किए, जितने भी कलर यूज किए, मैं डेफिनेटली आपको अभी थोड़ी देर में हमारा आई मेकअप खत्म होने के बाद बता दूंगी। राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू टू डियर। तो जो भी हमने कलर यूज किए वो हम बता देंगे। ब्रश कौन सा है? ब्रश हमारा है ब्यूटिलिसिस नंबर 316 नंबर। या ब्यूटिलिसिस 316 नंबर हमने यहाँ पे यूज किया है अभी। और अब आप देख सकते हो कि व्हाइट बेस के वजह से हमारा कलर कितना ज्यादा उठ के पॉप आउट होके आ रहा है। तो इसीलिए हमने व्हाइट बेस यूज किया कि हमारे जो भी कलर है डायरेक्ट हमें एकदम अच्छे से इफेक्ट दे। तो अभी हम यहाँ पे
ऑसम थैंक यू जी। जीरा लैंड मिक्स करते हैं कि एसेंशियल ऑयल व्हाइट जेल लैंड में डियर यू कैन यूज एसेंशियल ऑयल और आप जीरा लैंड आप एसेंशियल ऑयल भी मिक्स कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील पर आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। मैम अभी हम कौन सा कलर अप्लाई कर रहे हैं? ऑरेंज कलर। या तो अभी हम ऑरेंज कलर अप्लाई कर रहे हैं। मैम सीटीएम कैसे करते हैं प्लीज बता दो डिटेल में। या डियर मैं डेफिनेटली बता दूंगी आपको व्हाइट बेस कौन सा है। हमने यहाँ व्हाइट बेस इंग्लॉट का व्हाइट जेल लाइनर यूज किया था। या तो सीटीएम आपको ना स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करना है। आई मीन नॉर्मल स्किन के लिए अलग, ड्राई स्किन के लिए अलग, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अलग क्रीम यूज कर सकते हैं या डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको ग्रीन कलर पसंद है, आपके कॉस्ट्यूम में ग्रीन कलर है तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग सीटीएम भी करने का होता है। अगर ऑयली स्किन है तो आपको डेफिनेटली उसमें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड मैटिफेन प्राइमर यूज करना है और टोनर आपको कभी भी स्कीप नहीं करना है। अगर ड्राई स्किन है तो आप टोनर स्किप कीजिए, कोई बात नहीं। बोथ विल वर्क ऑन व्हाइट जेल लाइनर या बोथ इन वर्क ऑन व्हाइट जेल लाइनर। और आपको उसको जेल लाइनर बताओ ना मैम। या डेफिनेटली मैं बता देती हूँ जेल लाइनर। और आपको और जब ड्राई स्किन है तब टोनर अवॉइड करना है। कर भी सकते हो रोज वाटर पर, नहीं करोगे तो भी चलेगा। और उसमें आपको कोई भी जो लोशन बेस होता है ना, आई मीन क्रीम बेस लोशन बेस, वैसा मॉइस्चराइजर यूज करना है। और उसपे आपको एमरोइलीज इमोइलीज जैसे क्रीम बेस आता है ना, वैसा को भी मॉइस्चराइजर यूज करना है। विच इज द बेस्ट टोनर? आई कैन से पिक्सी टोनर इज द बेस्ट टोनर। लवार्थ, मामाअर्थ, ऑल आर बेस्ट टोनर। एंड फिर आपको ड्राई स्किन पे लिए वाटर बेस प्राइमर यूज करना है। और आप है फेस सीरम ड्राई स्किन भी यूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आपको जो पार्ट ऑयली है वहां पहले आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, फिर आपको कोई भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है आई मीन्स। एंड देन यू कैन यूज प्राइमर। जितना पार्ट आपका ऑयली है वहां पे ऑयली स्किन के लिए जो प्राइमर यूज होता है वो आई मीन्स मैटिफाइन प्राइमर। और जितना पार्ट ड्राई है वहां पे जो हम ड्राई स्किन के लिए प्राइमर यूज करते हैं आई मीन वाटर बेस्ड प्राइमर, हमें वो यूज करना है। नेम द आई शेडो पैलेट। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण डियर। अंडर आईज भी मस्त होता है आई मीन ये मुझे समझी नहीं क्या बोले आप। तो हमने यहाँ पे लोरा क्रैक प्रो का आई शेडो पैलेट यूज किया। द आर्टिस्टिक बुक वीडियो सेव रहेगा? यस डेफिनेटली वीडियो सेव रहेगा। और एक बार स्किन प्रिपरेशन बताइए मैम। या भी मैंने अभी स्किन प्रिपरेशन ही बताई आपको कि आपको ऑयली स्किन पे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड मैटिफाइन प्राइमर यूज करना है और टोनर आपको यूज करना ही है। फिर आपको ड्राई स्किन के लिए लोशन बेस्ड आई मीन क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड वाटर बेस प्राइमर यूज करना है। और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आपको मैंने जो पार्ट वाइज डिवाइड करके आपको प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर यूज करना है। क्या यूज करो मैम अभी? यूरोप। या तो अभी हम यूरोप करके स्केच लाइनर यूज कर ले। कंसीलर पैलेट भी दिखाइए प्लीज। फिर हमने अभी तक कोई कंसीलर पैलेट यूज की ही नहीं है, पर मैं आपको शॉपनर की कंसीलर पैलेट डेफिनेटली भी बता दूंगी कि वो बहुत अच्छी आती है और उसमें व्हाइट बेस भी आता है शॉपनर कंसीलर पैलेट। तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस, इट इज रियली नाइस। ये शॉपनर की कंसीलर पैलेट है।
जिसमें व्हाइट बेस आ जाता है, ये थोड़ा गंदा हो गया पर ये व्हाइट बेस आ जाता है, देख सकते हैं आप। और आप अभी कोई मुझे बोला था ना कि वो ब्लेंड नहीं होता, आप देख सकते हो शॉपरेल का जो ये है कितना अच्छे से ब्लेंड होगा, ये देखिए। और इसमें सारे फाउंडेशन शेड, करेक्टर शेड, करेक्टर ग्रीन, करेक्टर सब आ जाता है। तो और अभी मैम ने जो यूज किया था व्हाइट जेल में, वो मैम ने ये यूज किया था इंग्लॉट की व्हाइट जेल लाइनर। ओके यस मैम, इंग्लॉट की जेल लाइनर। नाउ वी आर यूजिंग इंग्लॉट ब्लैक जेल लाइनर। तभी मैम ने यहाँ पे इंग्लॉट की व्हाइट जेल लाइनर यूज, ब्लैक जेल लाइनर यूज कर रहे हैं। तो हमें अच्छे से लाइनर को लगाना है। और अगर मैं बताऊँ ना सबसे अच्छी बात, तो हमारी जो मेकअप होता है ना उसका मेन पार्ट है आईलाइनर। आप कभी देखना मेकअप को आईलाइनर एंड आईलैशेस के बिना जो हमारा आईज मेकअप है कैसा दिखता है, एंड आफ्टर आईलाइनर एंड आईलैशेस कैसा दिखता है। तो वैसे तो हमारे सारे जो मेकअप के पार्ट्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी स्टेप छूट गया है तो मेकअप हमारा अच्छा नहीं लगता है। शॉपरेल व्हाइट बेस आईज पे यूज कर सकते हैं, यार डेफिनेटली कर सकते हो आप। व्हाइट बेस आई पे यूज कर सकते हो, जेल लाइनर के हिसाब में यूज कर सकते हो। ये ग्रीन कंसीलर किस काम में आता है, इन अकॉर्डिंग कलर व्हील। अगर आपके फेस पे रेड पिंपल पिगमेंटेशन है, रेड कलर को कट करने के लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं, तो उसके लिए आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हो। पर अगर मैं बताऊँ तो आपको ग्रीन कलर कभी यूज नहीं करना है, क्योंकि ग्रीन कलर अगर आपको प्रॉपरली कलर यूज करना नहीं आया तो वो उतना पार्ट, जितना पार्ट में आपने ग्रीन करेक्टर में अप्लाई किया है वो ब्राउन हो जाएगा। तो यू कैन अवॉइड एवरी टाइम ग्रीन करेक्टर। आपको अगर ऐसा हो तो आप डार्गीज ऑरेंजिस डार्गीज रेड में जाओ करेक्ट करने के लिए। व्हाइट लाइनर कौन से लुक पे कर सकते हैं? व्हाइट लाइनर डियर, आप जो क्रिएटिव लुक होता है, क्रिएटिव लुक में आप कर सकते हो व्हाइट जेल लाइनर। अदरवाइज ट्रेडिशनल लुक में आप कभी भी व्हाइट जेल लाइनर नहीं कर सकते, तो आपको ऑलवेज ब्लैक जेल लाइनर करनी है। आप क्रिएटिव लुक में, मॉडर्न लुक में कर सकते हो, बट लाइट में कभी आप व्हाइट जेल लाइनर नहीं कर सकते। आप व्हाइट काजल कर सकते हो, व्हाइट जेल लाइनर कभी नहीं कर सकते। थैंक्स मैम, थैंक्स टू डियर। तो अभी हम हमारी जो व्हाइट जेल लाइनर है ना, उसे हम स्मच कर रहे हैं, उसे हम ब्लेंड करके स्मच कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैम किस तरह से ब्लेंड कर रहे हैं। मेकअप के बाद स्वेट कैसे प्रिवेंट करें? जेल लाइनर का नाम बता दीजिए। हमने यहाँ पे इंग्लॉट की जेल लाइनर यूज की थी, और मेकअप स्वेट की वजह से निकलने की वजह सिर्फ एक है डियर, कि आपने स्किन अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की है। आपका जो आप सबसे बड़ा स्टेप क्या है हमारा पता है, दो है। एक तो हमारा प्रिपरेशन, जो हमारा बेस है, अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो हमारा मेकअप क्लियर नहीं होगा। और सेकेंड थॉट है हमारा जो बैकिंग, अगर आपने बैकिंग अच्छे से नहीं किया है तो डेफिनेटली आपका मेकअप नहीं स्टे करेगा। आप आंसर बहुत अच्छे से देते हो, थैंक यू डियर। तो आपको क्या करना है, आपकी जो बैकिंग है वो अच्छे से करनी है। जब क्लाइंट उठेगा तो बोलेगी कि हमें बहुत व्हाइट व्हाइट या बहुत पाउडरी पाउडरी लग रहा है, तो उनको समझाइए कि डियर थोड़ी टाइम बाद आपको जब स्वेटिंग आएगा तो यही पाउडर है, जो यही बैकिंग पाउडर हमने लगाया है ज्यादा, वही मतलब शाइन करेगा और वो अपनी स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाएगा। मैम फेस पे सीटीएम में ऑयल कंपल्सरी करना है? नहीं, आपको कभी भी फेस के सीटीएम में ऑयल यूज नहीं करना है। आप ऑयली स्किन पे ऑयल यूज कर सकते हो, पर कभी भी आपको ड्राई स्किन पे ऑयल यूज नहीं करना है, सॉरी ऑयली स्किन पे यूज नहीं करना है।
आप ड्राई स्किन पे ऑयल यूज कर सकते हो. सो यू कैन नेवर यूज ऑयल ऑन ऑयली स्किन. आप एक्सिस ड्राई स्किन पे ऑयल यूज कर सकते हो. अदरवाइज यू विल नेवर यूज ऑयल ऑन ऑयली स्किन. हु इज द आर्टिस्ट? लता पटेल. तो आपको अच्छे से लाइनर अप्लाई करनी है. मैम उसके ब्रश को यूज करने के बाद ऐसे साफ किस तरह कर सकते हैं? आप ब्रश क्लींजर यूज कर लीजिए जिससे आपके जो ब्रश है वो उनके जो रिपल्स है वो खराब नहीं होंगे. तो आप उसमें क्या कर सकते हो, ब्रश क्लींजर से यूज कीजिए एकदम सॉफ्ट हैंड से. फिर पानी से अच्छे से वॉश करके उनको क्लींजर, और आप डेली वॉश मत कीजिए क्योंकि उससे उसके जो रिपल से वो बिगड़ जाएंगे. तो आपको डेली वॉश नहीं करना है. आप हफ्ते में एक आधी बार यूज कर सकते हो. अदरवाइज आप जो वेट टिश्यू है उनसे क्लीन करते रहिए साथ में. तो हम यहाँ पे अच्छे से जेल लाइनर करेंगे. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं. ओके, तो कोई मुझे ये बताएगा कि मैम ने येलो के बाद ऑरेंज कलर ही क्यों लिया है? एनीवन कोई मुझे बता सकता है कि मैम ने येलो के बाद ऑरेंज क्यों लिया है? मैम तो वहाँ पे कोई भी कलर ले सकते थे. मैम वहाँ पे ब्लैक कलर भी ले सकते थे. तो मैम ने ऑरेंज ही क्यों लिया? सॉन्ग वेरी नाइस, बंद कर दिया देखो. आपने वेरी नाइस बोला, बंद कर दिया. नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, क्योंकि सॉन्ग खत्म हो गया था. तो कोई मुझे बताएगा कि मैम ने क्यों येलो के बाद ऑरेंज यूज किया है? साथ साथ क्या? साथ साथ कोई मुझे बताएगा क्यों मैम ने येलो के बाद ऑरेंज यूज किया है? अच्छे से हमारी जो व्हाइट जेल लाइनर है उसे अच्छे से ब्लेंड करना है. उनका हमको भी पॉइंट दिखने नहीं देगी, तो हमें अच्छे से इसे ब्लेंड कर देना है. ऑरेंज शेड इज हैवी कलर. कलर व्हील में आते हैं या राइट आंसर, क्योंकि हमें ऑलवेज हमारे कलर व्हील के अकॉर्डिंग जाना है. हम कोई भी कलर के बाद कोई भी कलर नहीं ले सकते. बट येलो इज डेट टाइप ऑफ शेड के आप किसी कोई भी ले सकते हो. बट कलर व्हील के अकॉर्डिंग आप मेकअप करोगे उतना वो मेकअप उठ के आएगा, उतना अच्छा शेडिंग लगेगा. या राइट डियर, कलर व्हील के अकॉर्डिंग ही हमें ऑलवेज मेकअप करना है. और अगर अभी मैं ऑरेंज के बाद और कोई शेड लेना हो तो हम कौन सा लेते, कौन मुझे बताएगा कि हमें यही ऑरेंज, येल्लो, ऑरेंज और उसके बाद हम कौन सा शेड ले सकते हैं? अगर मैम को और एक शेड लेना है तो मैम कौन सा ले, कौन सा अच्छा लगेगा ज्यादा, कोई मुझे बताएगा? रेड 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 रेड. वाओ, सबको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, सबने मुझे राइट आंसर दिया.
और अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे रेड के अलावा कोई कलर लेना है तो कौन सा कलर लेंगे? ऐसा कोई बात नहीं होता, हमें ऑलवेज कलर भी इज वेरी इम्पोर्टेंट, आपको कलर भी आता है तो ही आपको मेकअप आता है वरना नहीं आता। पर आप कलर भी लिख के अपोजिट जाके भी कलर ले सकते, आप रेड के बाद ग्रीन कलर ले सकते थे क्योंकि वो लास्ट ब्लेंडिंग है, वहां पे अच्छा लगेगा। ब्लू कलर ले सकते हो, आई मीन डार्क ब्लू, एंड इट्स रियली नाइस। रिपीट द क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये था डियर कि हम रेड के बाद ऑरेंज के बाद कौन सा कलर ले सकते हैं, तो सबने बोला था रेड कलर, बट मैंने बोला कि उसके अलावा भी हम कौन सा कलर ले सकते हैं। तो डियर यू कैन गो विद एनी कलर, बट हमारे जो कलर शेडिंग अच्छे लगे ऐसे टाइप के, आपको ऑलवेज कलर शेडिंग देखना है। अगर आपको कलर भी याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, पर आपकी कलर शेडिंग है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। आपको ऑलवेज आपकी जो कलर शेडिंग है, आप क्योंकि बहुत से लोगों को कलर भी याद नहीं रहता, मैं मेरा ही बोलूं, राइट। तो अभी हम क्यूटी ब्यूटी वाटर बेस मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी मॉडल की स्किन नॉर्मल है, तो हम उस पे वाटर बेस मॉइस्चराइजर यूज करेंगे रेड, या रेड यूज कर सकते हैं। हमें अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, ब्यूटीफुल आई मेकअप। थैंक यू डियर। Now here we are using Just Gold Silicone Base Primer. तो अभी मुझे ये बताइए कि हमने सिलिकॉन बेस प्राइमर क्यों अप्लाई किया। मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि हमने यहाँ पे सिलिकॉन बेस प्राइमर क्यों यूज किया, वाई? और सिलिकॉन बेस क्या हमारी स्किन पे वर्क करता है, क्या इम्पोर्टेंस है सिलिकॉन की? ड्राई स्किन नो डियर, जो सिलिकॉन बेस होता है ना वो प्राइमर आप ऑल टाइप स्किन पे यूज कर सकते हो, इवन जस्ट गोल्ड का प्राइमर तो आप कोई भी स्किन टाइप में यूज कर सकते हो क्योंकि उसके पैकिंग पे ही लिखा होगा कि ऑल टाइप स्किन, तो जस्ट गोल्ड का प्राइमर वो आप ऑल स्किन टाइप पे यूज कर सकते हो, ऑल स्किन पे आ जाता है फॉर द ऑयली स्किन। नो डियर, ऑयली स्किन पे नहीं, हम ऑटोमेटिक में प्राइमर यूज करेंगे फॉर द सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर हमारी स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। सिलिकॉन बेस्ड इट मीन्स आप वेलवेट का कोई भी कपड़ा फील करोगे ना तो आपको वो एकदम सॉफ्ट भी फील होगा, एकदम आपका हाथ एकदम स्लाइज होगा, राइट? तो सिलिकॉन बेस्ड इट मीन्स कि आपका जो बेस है ना वो एकदम वेलवेट की तरह दिखे, एकदम क्लियर दिखेगा। मॉइस्चराइजर कौन सा यूज किया हमने यहाँ पे? ब्यूटी ब्यूटी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज किया।
और सिलिकॉन बेस हमारे हर एक प्रोडक्ट में आते हैं, हमारे फाउंडेशन में सिलिकॉन आता है एंड एवरीथिंग वी हैव मेड इट मेकअप प्रोडक्ट एवरीथिंग सिलिकॉन बेस से ही बनते हैं। नाइस वीडियो, थैंक यू। सो नाउ वी आर यूजिंग हियर रिचा दवे कंसीलर पैलेट, कंसीलर करेक्टर पैलेट। तो हम हमारे करेक्टर के लिए रिचा दवे के करेक्टर पैलेट यूज कर रहे हैं और उसमें से ऑरेंज शेड यूज कर रहे हैं। तो हम मॉडल की स्किन पे या क्लाइंट की स्किन पे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ वहाँ हम करेक्टिंग करेंगे और करेक्टिंग की बहुत अच्छी टिप्स होती है कि आपको कौन सी स्किन पे कौन से कलर का ऑरेंज कलर लेना है। क्योंकि सी येलो कलर तो हम ब्राइटनिंग के लिए यूज करते हैं, ग्रीन कलर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारी स्किन ब्राउन हो जाएगी और बचा रेड एंड ऑरेंज, तो हम दो करेक्टर यूज कर सकते हैं। रेड हम बहुत ही ज्यादा डस्ट की स्किन पे यूज करेंगे जो एक्सेस डस्ट की स्किन है उनके लिए, और ऑरेंज करेक्टर का कैसे होगा जो हमारी फेयर स्किन है तो हम पीचीज ऑरेंज यूज करेंगे, मीडियम स्किन है तो प्रॉपर ऑरेंज कलर यूज करेंगे एंड विटी स्किन है तो हम रेडिश ऑरेंज यूज करेंगे, अगर थोड़ी ही डस्ट की स्किन है तो भी हम रेडिश ऑरेंज यूज करेंगे। ब्रश कौन सा है मैम? सो ये वी आर यूजिंग पीएसी नंबर 218। पीएसी नंबर 218 तो आपको अच्छे से जहाँ जहाँ उनकी स्किन पे प्रॉब्लम हो आपको करेक्टर करना है और आपको एकदम सॉफ्ट हैंड से फिर वो करेक्टर को ब्लेंड करना है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको ऑलवेज आपकी चूंकि ब्लेंडिंग करो। अगर आपको ब्लेंडिंग प्रॉपर चाहिए ना मेकअप के आई शेडो में भी, अगर आपको ब्लेंडिंग प्रॉपर चाहिए तो यू कैन गो विद एकदम सॉफ्ट हैंड। आपको ऑलवेज आपके हैंड बहुत सॉफ्ट रखने हैं तभी आपकी जो कलर शेडिंग है वो अच्छे से आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी क्योंकि एक जगह पे पैच बन जाएगा। अगर आप अपना हार्ड हैंड है ना वो हार्ड रखोगे ना तो जो शेडिंग आनी चाहिए ना वो शेडिंग नहीं आएगी। उसके लिए आपको एकदम सॉफ्ट हैंड रखना पड़ेगा। सो नाउ वी आर यूजिंग नार्स की फाउंडेशन यूज करेंगे, हम दो शेड यूज करेंगे पंजाब एंड बार्सिलोना। तो हम यहाँ पे दो शेड मिक्स करके मॉडल का ओवल स्किन टोन बनाएंगे क्योंकि हम कभी भी बहुत सारे फाउंडेशन तो परचेज नहीं कर सकते कि हमारे पास जो भी स्किन का क्लाइंट आएगा हम वो फाउंडेशन निकाल के लगा देंगे, तो हमें ऑलवेज दो फाउंडेशन रखने हैं, एक फेयर एंड डार्क। तो हम यहाँ पे नार्स फाउंडेशन के दो शेड मिक्स करके मॉडल का ओवल शेड बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पंजाब एंड बार्सिलोना से दो शेड मिक्स करके मॉडल का ओवल शेड बनाएंगे। आपको अच्छी सी फाउंडेशन को ब्रश में लेके ब्लेंड कर अप्लाई करना है। मैम कौन सा ब्रश है? ब्यूटीलिशियस नंबर 314। हमने यहाँ पे ब्यूटीलिशियस नंबर 314 यूज किया है और नार्स के फाउंडेशन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो आप ब्राइडल की साइडर्स पे ये फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। मैम नार्स के प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? वैसे तो मैं प्राइस नहीं बताती कभी लाइव में, बट आज मैं बता देती हूँ कि नार्स के फाउंडेशन की प्राइस है 4500। और नार्स की फाउंडेशन ब्लेंडिंग भी बहुत स्मूथ होती है, बहुत अच्छे से होती है, तो यू कैन गो विथ नार्स, इट्स रियली नाइस। स्पॉन्ज देन, हियर वी आर यूजिंग आई मैजिक ब्लेंडर। हमने यहाँ पे आई मैजिक का ब्लेंडर यूज किया है। और आपको अच्छे से उसे ब्लेंड करना है मॉडल की स्किन पे, और आप देख सकते हो कि मॉडल की स्किन पे फाउंडेशन कितना ज्यादा नेचुरल लग रहा है। आप उनके नेक का पार्ट एंड फेस का पार्ट देख सकते हो कितना मैच हो रहा है। 4052 फाउंडेशन कैसे है, बहुत ही अच्छे है। यू कैन गो विथ 4052।
अच्छे से ब्लेंड करना है फाउंडेशन को, कहीं भी पैचेस ना दिखे इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से ब्लेंडिंग करना है। फॉरएवर 52 के शेड प्लीज, फॉरएवर 52 में आप फोन नंबर एंड 7 नंबर परचेज कर सकते हो। हाउ आर यू, आई एम टू गुड डियर। सो आप देख सकते हो हमारे मॉडल की स्किन पे कहीं भी पैचेस या फिर डलनेस नहीं दिख रही। सो नाउ वी आर यूजिंग टाटे शेप टेप नंबर शेड नेम। सो हम यहाँ पे टाटे शेप टेप लाइट न्यूट्रल यूज कर रहे हैं। और पहले भी मुझे किसी ने पूछा था कि टाटे में हम कौन सा शेड लेते हैं, यू कैन गो विथ लाइट न्यूट्रल, यू कैन ऑलवेज गो विथ लाइट न्यूट्रल, पर वो ज्यादा फेयर होगा तो उससे कम शेड आप एक शेड कम ले सकते हो। फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करें अपने लिए, अगर आप पर्सनल यूज के लिए बोल रहे हो तो आप जस्ट को ले लीजिए या फिर मैबलिन ले लीजिए, पर यू कैन, अगर आप प्रोफेशनली बोल रहे हो तो यू कैन गो विथ शॉपरेल, मैट, नार्स, हुडा ब्यूटी, एनीथिंग, और जस्ट गर्ल भी आप ले सकते हो, फॉर एवर 52 भी ले सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे टाटे शेप टेप लाइट न्यूट्रल शेड से हाइलाइटिंग करेंगे। और हम यहाँ पे हाइलाइटर आई ब्लेंडिंग के लिए हम स्मॉल ब्लेंडर यूज कर रहे हैं फ्रॉम पीएसी। तो हमें अच्छे से ब्लेंड करना है उसे, और हमारे फाउंडेशन मतलब पैच नहीं दिखना चाहिए, बस सिंपल। या डियर, आपकी स्किन मैम मेरे अंडर आईज आ जाती है आफ्टर मेकअप, कुछ बता दीजिए प्रिपरेशन। डियर आपकी स्किन टाइप कौन सी है, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, फिर मैं बताऊंगी आपको कि आपको कैसे मेकअप करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो आप देख सकते हो मैम यहाँ पे ब्लेंडिंग कितने ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं। वो तो निकलेगा ही,
फाउंडेशन का कलर कैसे सिलेक्ट करें, आपकी जो फेस की जो लाइन होती है ना, अगर जो लाइन के अकॉर्डिंग परफेक्ट फाउंडेशन आपको सिलेक्ट करना है, जो आपकी जो लाइन के साथ मैच करेगा वही आपका स्किन टोन फाउंडेशन होगा। कभी भी आपको हाथों पे फाउंडेशन चेक नहीं करना है, ऑलवेज आपको जो लाइन पे चेक करना है फाउंडेशन। मैम मेरी सेंसिटिव स्किन है और स्किन डल हो गई है और डार्क सर्कल भी है, मैं क्या करूँ, मैं 20 ईयर ओल्ड हूँ यार ये। तो आप स्किन केयरिंग स्टार्ट कीजिए, आप अपनी सेंसिटिव स्किन है, इट्स मीन्स यस। तो हम यहाँ पे फेंटी ब्यूटी स्टिक यूज कर रहे हैं, कॉन्टोर स्टिक। तो हम यहाँ पे फेंटी ब्यूटी की कॉन्टोर स्टिक यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपकी स्किन प्रिपरेशन में आपको सबसे पहले आपकी स्किन को रिपेयर करना है। तो जब तक मैंने तब तक आप मेकअप और ज्यादा हैवी प्रोडक्ट अवॉइड करिए। तो आप देख सकते हो मैम की जो कॉन्ट्रिंग ब्लेंडिंग है वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो रही है। तो ऑलवेज आपकी ब्लेंडिंग, मैंने पहले भी बोला है कि आपके मेकअप में ब्लेंडिंग इज मेन पार्ट, तो आपको हर जगह ब्लेंडिंग बहुत प्रॉपर करना है। और सेंसिटिव स्किन के लिए आप बने तब तक मैम, थैंक यू दी, दिल से थैंक यू डियर, आई एम थैंक्स टू यू। आई शेडो फिल करने के लिए ब्राउन शेड यूज कर सकते हैं या ब्लैक। हम यहाँ पे हुडा ब्यूटी बनाना ब्रेड यूज करेंगे अभी फॉर द बैकिंग। डिया कोई भी कलर यूज कर सकती हो, आपको जो सूट करता है वो कर सकते हो, ब्राउन भी कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो। नार्स के कौन से दो शेड लिए थे मैम ने, यहाँ पे पंजाब एंड बार्सिलोना दो शेड लिए थे, पंजाब नंबर 1 एंड बार्सिलोना नंबर 4। और पैकिंग आपके मेकअप का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपका मेकअप आपको लॉन्ग टर्म तक रखना है, स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ बनाना है, तो आपको परफेक्ट पैकिंग करनी पड़ेगी। कंसीलर कौन सा यूज कर रहे थे ऑडियर, हमने आई बेस के लिए नार्स का जिंजर शेड यूज किया था,
एंड फेस हाइलाइटिंग के लिए हमने टाटे शेप टेप लाइट न्यूट्रल शेड यूज किया था। बेकिंग कितने में के लिए कितने मिनट के लिए रखना चाहिए, क्या मतलब बेकिंग कितने मिनट के रखना चाहिए? अगर आपके ऑयली स्किन है तो आपको क्वांटिटी ज्यादा रखनी है बेकिंग पाउडर की। ड्राई स्किन में आप कम करोगे तो चलेगा। शेड एंड ग्लैम, शेड एंड लाइट का हम यहाँ पे कॉन्टोर पैलेट यूज कर रहे हैं। फेंटी ब्यूटी कौन सी शेड यूज किया था? फेंटी ब्यूटी का हमने रफल, हमने यहाँ पे फेंटी ब्यूटी रफल शेड यूज किया था। मैम मेकअप बहुत उभर जाता है बताइए मैम, क्योंकि अगर आपने स्किन प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है, अगर उनकी स्किन ड्राई होगी तो डेफिनेटली उनके मेकअप पे स्क्रैचेस आएंगे, उनकी स्किन फट जाएगी, ऐसा सब होगा। तो हमने यहाँ पे फेंटी ब्यूटी रफल शेड यूज किया था। तो आपको क्या करना है, उनकी स्किन पे मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई करना है तो वो उभरा उभरा नहीं लगेगा। और आफ्टर मेकअप आपको फिक्सिंग प्रॉपर करना है, जो फिक्सिंग स्प्रे है वो अच्छे से करोगे तो नहीं होगा आपका मेकअप उभरा उभरा। कंसीलर नेम प्लीज जिंजर शेड दिया, हमने नाज का जिंजर शेड यूज किया था जिसका नंबर है 2। हम यहाँ पे फेशियल फीवर की काजल यूज कर रहे हैं और वो ये काजल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ऑरेंज के साथ दूसरा कंसीलर शेड एंड क्यू मिक्स किया था क्योंकि डियर मॉडल की स्किन डस्की नहीं है या ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो उनको ज्यादा नीड नहीं थी ज्यादा ऑरेंज की, तो हमने लाइन ऑरेंज को लाइट करने के लिए दूसरा कंसीलर शेड मिक्स किया था। काजल की प्राइस क्या है ये वाली? ये प्राइस के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट tbh.india। दूसरा कौन सा मिक्स किया था मैम, क्या मैं दिखा देती जी? मुझे रिचा दे कंसीलर कर दीजिए, मिक्स कर तो हमने ये दो शेड मिक्स किए थे, ये दो। टिश्यू
वही मैम वही दूसरा क्यू दियर उनके स्किन टाइप अकॉर्डिंग जाना है कि आपको अगर वही मिक्सिंग आपको सीखना है कि आपको कौन से शेड को कैसे मिक्स करना है कि हमारे पास तो एक ही ऑरेंज है तो हम क्या सारे ऑरेंज कलर परचेज करेंगे नहीं तो आपको क्या करना है कोई भी आपकी कंसीलर बने तो मिक्सिंग मैच करके जो उनकी स्किन पे मैच करके आपने करेक्टर में देखा होगा कि मॉडल की स्किन पे बहुत ही ज्यादा ऑरेंज नहीं लग रहा था उनके स्किन टोन पे मिक्स हो रहा था क्योंकि उनकी स्किन पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी तो आपको ऐसे ही कोई शेड यूज करना है मतलब स्किन टोन या डार्कर देन स्किन टोन अगर उनकी स्किन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो यू कैन गो विद डार्कर देन स्किन टोन वेरी डार्कर देन स्किन टोन अगर उसकी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मॉडल की स्किन पे प्रॉब्लम नहीं थी ज्यादा तो हमने लाइटर शेड यूज किया था उनकी स्किन से वन टू टू शेड डाल ज्यादा नहीं वन शेड ही डाल किया था हमने तो भी उनकी प्रॉब्लम सारी हाइड हो गई है अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको डार्कर शेड में जाना है अगर कम है तो यू कैन गो विद लाइटर शेड इट्स नॉट अ बिग डील Thank you so much, ma'am. Thank you, dear. So, अभी हम आई के नीचे सेम कलर अप्लाई कर रहे हैं जो हमने आईज के ऊपर अप्लाई किया था वैसा ही सेम कलर हम आई के नीचे वॉटर लाइन पे अप्लाई करेंगे वॉटर लाइन के नीचे विच ब्रश हियर वी आर यूजिंग ब्यूटीलिसिस नंबर 3 1 6 हमने यहाँ पे ब्यूटीलिसिस 316 नंबर यूज किया है Very beautiful. Thank you, dear. हेलो मैम हेलो अंकिता मेक ओवर सो आपको आई के नीचे भी अंडर से अच्छे से ब्लेंडिंग करना है प्रॉपरली
तो अभी हम तो अभी हम आईब्रो के ऊपर का ब्रो हाइलाइटिंग कर रहे हैं। फिर कार्निवल पैलेट, हम कार्निवल की आई शेडो पैलेट में जो हाइलाइटर आते हैं वही यूज कर रहे हैं। और आपको ऑलवेज आईब्रो बोन को अच्छे से हाइलाइटिंग करना है। आईब्रो बोन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइलाइटिंग के लिए। बहुत से लोग वो स्किप कर देते हैं, पर यू कैन नेवर स्किप दैट स्टेप। आपको ऑलवेज वो स्टेप करना है रहे प्रॉपरली, और उससे हमारी आईज ज्यादा एनहांस्ड होके आएगी, ज्यादा पॉप आउट होके आएगी। तो आपको ऑलवेज हाइलाइटिंग करनी है आईब्रो बोन की। कौन सा ब्रश यूज किया मैम? कौन सा ब्रश यूज किया अभी आपने? ब्यूटीलिस नंबर कौन सा? हाइलाइटर ब्रश पीएसी 105 नंबर। तो हमने यहाँ पे PAC 105 नंबर यूज किया था। सो अभी हम यहाँ पे नार्स ब्लशर यूज कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे नार्स की ब्लशर यूज करेंगे। प्लीज फॉलो सुहानी रहना टू बाय लर्न नेम। या डेफिनेटली दी है। सो अभी हम यहाँ पे कौन से लेसेस यूज कर रहे हैं? सो लेसेस फ्रॉम रिचा देवी। हम यहाँ पे रिचा देवी की आई लेसेस यूज कर रहे हैं। और ब्लू कौन सा है? सो हमने यहाँ पे ब्लू यूज किया है, रेड एंड ब्लैक कंपनी का।
आपकी आईलैश भी अप्लाई करने के बाद लिक्विड लाइनर या फिर स्केच लाइनर से उस पर अगेन लाइनर करनी है, क्योंकि आपका जो ब्लू है वो व्हाइट कलर का होगा तो आपकी जो लैसेस है वो दिखेगी कि आपने स्टिक की है। तो कॉलर्स के ऊपर लिक्विड लाइनर या स्केच लाइनर अप्लाई करनी है आफ्टर लैशेस। ब्लू दिखा दीजिए या दिखा देती हूँ डियर। सब देख सकते हो हमने ये वाला ब्लू यूज किया था। कंपनी नेम इज रेड एंड ब्लैक। और आपको ऑलवेज आईलैशेस के बाद मस्कारा अच्छे से अप्लाई करना है और हम यहाँ पे मस्कारा यूज कर रहे हैं फ्रॉम आई मैजिक। और अभी हम यहाँ पे हाइलाइटर यूज करें फ्रॉम ओफ्रा ग्लो। हम यहाँ पे ओफ्रा ग्लो का हाइलाइटर
तो हमें अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई करनी है और अभी हमारा आईब्रो डिफाइनिंग बाकी है। नाइस मेकअप, थैंक यू डियर। लिपस्टिक कौन सी? हमने यहाँ पे शॉपरेल की लिप पैलेट में से यूज की है, शॉपरेल की लिप पैलेट है, उसमें से हमने एक शेड लगाया है। मेकअप तो बिंदिया के बाद ही अच्छा लगता है। ठीक है, हम बिंदिया लगा देंगे। तो हम यहाँ पर एनास्थेसिया आईब्रो डिफाइनर यूज कर रहे हैं। डीप ब्राउन कलर। राम ले कौन सा ले? रहा फोन है कौन सी प्रॉब्लम
हमारा बात ये ताकि पूरा हो थोड़ी थोड़ी थैंक यू ओके है पूरा and wow
आने के लिए आप मेकअप कीजिए इसमें आपको एंड ब्यूटीफुल आपको भी ग्लोबल को अभी नेक्स्ट